हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर सेफ एट योर होम्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी जो लास्ट यूनिट हमने इकोलॉजी की ही स्टार्ट की थी, उसका लास्ट चैप्टर। बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो मिड के हमारे जो दो चैप्टर थे वो अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो नेक्स्ट करिकुलम जो हमारा COVID-19 की वजह से आया है, तो वो सिलेबस में नहीं अब इंक्लूड किए गए, तो अब उनको स्किप करेंगे। सो अब अगला जो हमारा चैप्टर आएगा दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। सो जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये हमारा वैसे अकॉर्डिंग टू बुक ये चैप्टर नंबर 16th है हमारा, और इकोलॉजी के अंदर ये हमारा 4th चैप्टर है बेटा, ठीक है। तो अब बायोडाइवर्सिटी, सबसे पहले हम टर्म लेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब है, बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशंस। सो इन दिस वी विल इंक्लूड लिविंग थिंग्स के अंदर वेरिएशन, लिविंग थिंग्स के अंदर आने वाली वेरिएशंस, दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। द टर्म वॉज फर्स्ट कॉइंड बाय W.G. Rosen। सो बायोडाइवर्सिटी मीन्स लिविंग थिंग्स के अंदर वेरिएशंस, एंड द टर्म वॉज फर्स्ट कॉइंड बाय W.J. Rosen। ओके, सो बायोडाइवर्सिटी की जब भी हम बात करेंगे बेटे, तो बायोडाइवर्सिटी को हम सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मैं इसमें से आपको समझाना चाहूँगी। जैसे कि हम माइक्रो और मैक्रो लेवल पे हम ऑर्गेनाइजेशन को लेते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो पहले क्या हुआ? सेल, आफ्टर सेल टिश्यू, एंड आफ्टर दिस वी कैन इंक्लूड ऑर्गेन। ये कुछ ऐसी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम ऑलरेडी बहुत बार हम इसको डिस्कस करते हैं, ऑर्गेन सिस्टम। एंड आफ्टर ऑर्गेन सिस्टम दैट इज इंडिविजुअल। आफ्टर दिस, दिस इज लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दिस यू कैन से दैट इज अ लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर हम वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन इन सभी लेवल्स पे आ सकती है, सेलुलर से भी नीचे मैक्रोमोलिक्यूलर लेवल तक भी वेरिएशंस आ सकती हैं, मैक्रोमोलिक्यूलर लेवल। सो मैक्रोमोलिक्यूलर लेवल पे, सेल लेवल पे, टिश्यू लेवल पे, ऑर्गेन, ऑर्गेन सिस्टम और इंडिविजुअल लेवल पे हम वेरिएशंस पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने प्लस वन में भी किए हैं वेरिएशंस की हैं, डिफरेंट फाइलम्स पढ़े हैं, तो उसके अंदर हमने इनमें वेरिएशंस जो है देखी हैं। इन ये क्या है? लोअर लेवल ऑफ वेरिएशंस। नाउ वी आर कमिंग अपॉन द हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट हेयर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी is not this level of organization, as we are going upon the higher level of organization। बेटे हम higher level of organization यहाँ पे करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे mainly तीन तरह की अपनी जो variations हैं, तीन तरह की variations को पढ़ेंगे। So types of variations, variations की types of variation, in this we will include three types of variations। थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएशंस आर, फर्स्ट जो लेवल ऑफ वेरिएशंस हम स्टडी करेंगे दैट इज जेनेटिक लेवल। जेनेटिक लेवल ऑफ वेरिएशन दैट इज अ जेनेटिक लेवल ऑफ वेरिएशंस। देन इज द स्पीसीज level of organized, level of variation, sorry, and next is ecosystem level of variations।
ठीक है. तो इन दिस लेक्चर वी विल इंक्लूड ओनली जेनेटिक लेवल ऑफ वेरिएशंस. जेनेटिक लेवल ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या हुआ बेटे, एक ही स्पीसीज के अंदर जो जीन्स की वेरिएशंस आती हैं उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक लेवल ऑफ वेरिएशंस. लाइक आपने आजकल गर्मी का सीजन है, मैंगोज आ रहे हैं, मैंगोज आपने देखा होगा मैंजीफेरा, इसमें मैंगोज के अंदर जो हमारी है कई तरह की वेरिएशंस है. वेरिएशंस मतलब कई किस्म के मैंगोज हम मार्केट में देखते हैं, जैसे कि आपको पता है दशहरी होता है, ठीक है, तो यानी कि चौसा हो गया, यानी हम मार्केट में जो है लोकल नेम्स के अकॉर्डिंग इनके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस आती है. ऐसे बुफेलो में, कैटल्स में भी हम देखते हैं बहुत सारी वेरिएशंस, बहुत अलग अलग नामों से इनकी वैरायटी को हम जानते हैं. तो ये जो वेरिएशंस हैं, द वेरिएशन विच इज़ इन द जीन्स ऑफ द स्पीसीज इज नोन एज द जेनेटिक लेवल ऑफ वेरिएशन. इसी तरह की जेनेटिक वेरिएशंस हम देखते हैं, एक प्लांट है हमारा रोवोल्फिया वोमिटोरिया, ये रोवोल्फिया वोमिटोरिया नाम का जो प्लांट है बेटे, ये हिमालयन रेंजेस के अंदर हमें देखने को मिलता है, हिमालयन रेंजेस के अंदर हमें देखने को मिलता है, और इसकी बहुत सारी वैरायटी है. इसकी मेडिसिनल वैल्यू है इस प्लांट की, ये जो प्लांट है हमारा दैट इज़ हैविंग मेडिसिनल वैल्यू बिकॉज इट सिक्रीट अ काइंड ऑफ अल्कलाइन. अल्कलाइन एक सिक्रीट करता है, एक्टिव केमिकल है वो, और उसका नाम है रेसरपाइन नाम का एक केमिकल है जो ये सिक्रीट करता है. इस केमिकल के अंदर इसकी ये जो अल्कलॉइड केमिकल ये निकालता है, इसके अंदर इसकी इतनी ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिलती है इसकी हिमालयन रेंज के अंदर ही, कि कुछ बहुत ज़्यादा पोटेंट है. पोटेंट मीन्स दे आर गिविंग सो मच ऑफ दिस टाइप्स ऑफ केमिकल, एंड इन्हीं की वेरिएशन है कुछ बहुत ही कम अमाउंट में इसको सिक्रीट करते हैं केमिकल को. सो इनकी रेसेस में जो है काफ़ी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है. अभी अगर हम इसको करें तो हम अपनी स्पीसीज के अंदर भी देखने को मिल सकता है हमें, जैसे हमारी स्पीसीज के अंदर होमोसेपिन्स के अंदर भी बेटे हम देखने को रेसेस हमें मिलती हैं, रेसेस लाइक निग्रेटो, ठीक है, यूरोपियंस की अलग हो गई, मैंगोलॉयड की अलग हो गई. तो यानी हमें वेरिएशंस देखने को मिलती हैं इसके अंदर, तो दैट इज़ नोन एज जेनेटिक. तो मेन अगर हम कहें तो जेनेटिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, जब हमें जीन्स के लेवल पे वेरिएशन आती है, जैसे मैंगो की 5000 से ज़्यादा वेराइटी हमें देखने को मिलती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो ये मैंगो के अंदर वेरिएशंस आ रही हैं. ऐसा नहीं होगा कि कोई भी वेराइटी स्पीसीज से बाहर जा रही है, नहीं, लेकिन उनके जीन्स में फ़र्क है, तो इसीलिए उनके जो अंदर है वो काफ़ी वेरिएशंस आ रही हैं. तो इसी तरह से ह्यूमन की बनावट में, बॉडी स्ट्रक्चर में, कलर में बहुत सारे डिफरेंसेस हमें एक पैटर्न मिलता है रेसेस का, तो वो क्या है, रेसेस. तो ये जेनेटिक वेरिएशंस हैं और ये रेसेस हैं हमारी जीन्स की. अगेन हम एक बार शुरू करते हैं इसको. चैप्टर नंबर 16 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वी हैव स्टार्टेड. बायोडाइवर्सिटी वॉज फर्स्ट कॉइंड बाई W.J. रॉसन ने इस नाम को दिया था, एंड बायोडाइवर्सिटी मीन्स लिविंग थिंग्स के अंदर वेरिएशंस. सो वेरिएशंस इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ेंगे तो हम मेन तीन टाइप की वेरिएशंस देखेंगे, दैट इज जेनेटिक वेरिएशन, स्पीसीज वेरिएशन एंड इकोसिस्टम लेवल ऑफ वेरिएशन. जो सबसे छोटा लेवल है वेरिएशन का, दैट इज जेनेटिक लेवल ऑफ वेरिएशन, जिसमें हमें सिर्फ एक ही स्पीसीज को स्टडी करना है और उस स्पीसीज की डिफरेंट डिफरेंट किस्में हमें देखने को मिलेंगी. जैसे कि अभी मैंने मैंगो की बात की थी, तो मैंगो की वेरिएशंस आ रही हैं स्पीसीज के अंदर, तो वो हो गई. होमोसेपिन्स रेसेस की जो वेरिएशंस हो गई वो हो गई. तो जीन्स की वेरिएशंस की वजह से जो वैरायटी में चेंज आ रहा है दैट इज जेनेटिक वेरिएशन, और इसी को हम कहते हैं अल्फा हमारी
वेरिएशन। तो अल्फा वेरिएशन जो होंगी हमारी वो क्या होंगी, इसके अंदर आएंगी, जिसके जिसको हम कहते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। थैंक यू। सो प्लीज़ अगर लेक्चर समझ में आया है तो अगला लेक्चर इसमें स्पीसीज वेरिएशन में हम बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी को स्टडी करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू लाइक द लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जितना हो सके इसको शेयर कीजिए एंड थैंक्स वंस अगेन।